सालेम ओरेगन के रहने वाले क्रिक अलेक्जेंडर पिज़्ज़ा के इतने शौकीन थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल हर रोज डोमिनो से पिज़्ज़ा मंगवा कर खाया। लेकिन एक दिन उन्होंने ऑर्डर ना करने का सोचा। इतने टाइम से ऑर्डर डोमिनोज के पास आने की वजह से वहाँ काम करने वाले वर्कर्स उन्हें अच्छे से जानने लगे थे, और एक दिन उनका ऑर्डर नहीं आने पर वहाँ काम करने वाले सभी वर्कर्स हैरान और परेशान हो गए। और जब उनको इस बात का कारण पता चला, उन सभी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। और आज मैं आपको उसी इंसान की कहानी बताने वाला हूँ जिसने 10 सालों तक लगातार पिज़्ज़ा ऑर्डर कर मंगवाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पिज़्ज़ा इस दुनिया के सबसे मशहूर खानों के आइटम्स में से एक है, और लगभग पूरी दुनिया के लोगों ने इसे एक ना एक बार जरूर खाया होगा। सिर्फ अमेरिका में ही हर साल 3 बिलियन से ज़्यादा पिज़्ज़ा बेचे जाते हैं। सच में ये कमाल का आंकड़ा है। और ओरेगन के स्टोर में काम करने वाली वहाँ की मैनेजर सारा को ये पता होता था कि उनका एक ऑर्डर तो फिक्स है। जैसे ही उनकी स्क्रीन पर क्रिक नाम के आदमी का ऑर्डर आता, उनके एम्प्लॉयज तुरंत उस ऑर्डर को पूरा करते। सन 2009 में सारा ने पहली बार क्रिक से मुलाकात की, और उनकी ये मुलाकात उनके एम्प्लॉयज ने ही ये कहकर करवाई थी कि ये इंसान हर रोज पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, जिसके बाद कई बार वो खुद उन्हें पिज़्ज़ा डिलीवर करने गई। इन मुलाकातों में सारा क्रिक को थोड़ा बहुत जान चुकी थी। उनको पता था कि क्रिक घर से ही काम करते हैं और अपने घर से भी बहुत कम बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं चाहती कि वो घर से ज्यादा बाहर निकलें। कुछ पड़ोसियों से बात करने के बाद डोमिनोज के वर्कर्स को क्रिक के बारे में कुछ और बातें पता चली। पड़ोसियों ने बताया कि क्रिक सिर्फ पिज़्ज़ा डिलीवरी लेने के लिए ही अपने घर से दरवाजा खोलते हैं। अगर उनके पड़ोसी भी उन्हें बुलाएं तो भी वो नहीं आएंगे। लोगों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। सभी को लग रहा था कि क्रिक एक अच्छे इंसान है। वो आज तक सिर्फ अपने एक ही पड़ोसी के घर उनसे मिलने गए थे, जिनका नाम था बेन, और उनको क्रिक एक टेक्निकल जानकारी रखने वाले इंसान हैं, और ये सब जानकारी उनके पड़ोसियों द्वारा ही डोमिनोज वालों को दी गई। जब भी डोमिनोज के डिलीवर करने वाले लोग उनके घर जाते तो उनसे उनका हालचाल जरूर पूछ लेते थे। लेकिन लगभग 10 साल बीत जाने के बाद एक दिन अचानक से क्रिक का ऑर्डर डोमिनोज के पास नहीं आया। एक दिन ऑर्डर ना आने से डोमिनोज वालों ने भी इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी जब क्रिक का ऑर्डर डोमिनोज वालों को नहीं मिला तो वहां काम करने वाले लोगों को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि शायद क्रिक छुट्टियां मनाने कहीं चले गए होंगे, और सभी ने इस बात पर सहमति जताई और सोचा जल्दी ही उन्हें क्रिक का ऑर्डर फिर से मिल जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो डोमिनोज स्टाफ ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्रिक आखिर है कहां पर। जब लगभग 11 दिन बीत जाने के बाद क्रिक की तरफ से कोई ऑर्डर डोमिनोज को नहीं मिला, अब यहाँ कुछ अजीब जरूर हुआ था। 11 दिनों तक कोई ऑर्डर ना आए ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। जब सारा ने अपने बड़े अधिकारियों से इसके बारे में बात की तो उन्होंने सारा को अपने काम से काम रखने के लिए कहा। लेकिन सारा और उनके स्टाफ ने सोचा कि वो इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, क्योंकि क्रिक का असली व्यवहार तो उन्हें ही पता था। अब सभी को चिंता होने लगी, और तब सारा ने कुछ करने का सोचा। बेशक क्रिक एक चुपचाप रहने वाले इंसान थे, लेकिन एक ग्राहक के तौर पर ही सही उन्हें उनका ध्यान रखना था। वो अकेले रहते थे, उनका कोई परिवार नहीं था जिसके साथ वो इतने लंबे ट्रिप पर चले जाएं, और यहाँ तक कि उस इलाके में कोई और पिज्जा शॉप नहीं थी जिससे वो पिज्जा मंगवा कर खा सकें। आपको क्या लगता है क्रिक के साथ क्या हुआ होगा? कुछ हफ्ते और बीत जाने पर अब सारा से रहा नहीं गया, और उन्होंने अपने एक एम्प्लॉई को क्रिक के घर पर चेक करने के लिए भेजा। और ये काम करने के लिए ट्रेसी नाम का ये बंदा क्रिक के पास गया, और उन्होंने क्रिक के घर के अंदर लाइट जलती हुई देखी, और तभी उसने देखा कि क्रिक के घर का टीवी भी अभी तक चालू है। में कोई हलचल नहीं हो रही थी। ट्रेसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर असल में क्या हुआ है। ये बात तो पक्का थी कि क्रिक घर के अंदर ही मौजूद है, लेकिन अगर वो घर पर ही हैं तो उन्होंने ऑर्डर क्यों नहीं दिया? ट्रेसी ने दरवाजा खटखटाया और क्रिक के बाहर आने का इंतजार किया, लेकिन अंदर से किसी इंसान के आने की बजाय सिर्फ टीवी की आवाजें ही बाहर आ रही थी। ट्रेसी ने क्रिक को कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन क्रिक ने कोई भी कॉल नहीं उठाई। अब ट्रेसी को भी चिंता होने लगी थी। अंदर से कोई उत्तर ना मिलने पर ट्रेसी ने पुलिस को बुलाने का सोचा। ट्रेसी ने कॉल पर ही पुलिस को बताया कि उनका एक कस्टमर जो पिछले 10 सालों से लगातार ऑर्डर कर रहा था, उसने पिछले कई हफ्तों से कोई ऑर्डर नहीं किया है, इसलिए उनको चिंता हो रही है। उनके घर पर आने पर भी वो कोई उत्तर नहीं दे रहा है। इतनी सुनते ही पुलिस तुरंत क्रिक के घर आने के लिए निकल पड़ी। किसी को कुछ नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। पुलिस ने भी कई बार दरवाजा खटखटाया और फिर उनको एक चिल्लाहट भरी आवाज सुनाई दी जो कि घर के अंदर से ही आई थी। थोड़ा और पूछने पर अंदर से मदद की गुहार लगाई गई। तुरंत पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और वो अंदर गए। अंदर जाने से पहले ही उन्होंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया था। जब अंदर जाकर देखा तो पता चला कि क्रिक को एक नहीं बल्कि कई दिल के दौरे पड़े हुए थे।
तुरंत क्रिक को वहां से उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि क्रिक को तुरंत मेडिकल सहायता की जरूरत थी, अगर एक दिन और उनको मदद ना मिलती तो ये बात पक्का थी कि वो मर जाते। किस्मत से समय रहते क्रिक की हालत को सुधार लिया गया, लेकिन अब बहुत सारे सवाल यहाँ आ चुके थे। कोई भी वहां का चश्मदीद गवाह नहीं था जो ये बता सके कि क्रिक ऐसी हालत में वहां कब से पड़े हुए थे। क्रिक जल्दी ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और अभी तक भी डोमिनोज में काम करने वाले स्टाफ को इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बहुत खुश थे ये जानकर कि उन्होंने किसी की जान बचा दी। पूरा स्टाफ उनके पास फूल लेकर पहुंचा ताकि उन्हें देखकर उन्हें आस पड़ोस के लोग भी उनसे मिलने आए, क्योंकि मुसीबत के समय रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। डोमिनोज ने कहा कि वैसे तो वो अपने किसी कस्टमर की निजी जिंदगी में दखल नहीं देते, लेकिन अगर कोई कस्टमर 10 सालों से लगातार ऑर्डर कर रहा है तो वो एक परिवार का हिस्सा बन जाता है। जैसे ही ये स्टोरी मीडिया को पता लगी तुरंत ये वायरल हो गई और पूरी दुनिया ने डोमिनोज के द्वारा किए गए इस काम को सराहा। सारा का इंटरव्यू लिया गया जिसमें उन्होंने इस घटना को अच्छे से दुनिया को समझाया और सारा ने सलाह दी कि आपके आसपास कौन किस हालत में रह रहा है, आप इसका ख्याल जरूर रखें, क्या पता किसको कब आपकी जरूरत पड़ जाए। डोमिनोज पिज्जा के साथ हम सभी की कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है, आप भी अपनी कहानी मुझे जरूर बताएं। चलिए मैं चलते चलते आपको एक और कहानी बता देता हूँ जिसमें एक लड़की को उसके ही बॉयफ्रेंड द्वारा उसके ही घर में किडनैप करके रख लिया गया और कैसे उसने पिज्जा ऑर्डर करने के बहाने मदद की गुहार लगाई। एक आदमी ने अमेरिका के रहने वाली इस महिला और उसके 3 बच्चों को उसी के घर में किडनैप कर लिया, लेकिन इस महिला ने चालाकी दिखाते हुए अपने बॉयफ्रेंड से पिज्जा ऑर्डर करने के लिए फोन मांगा। दोनों लड़का और लड़की और बच्चे पिज्जा आने के इंतजार में लगे हुए थे, लेकिन पिज्जा डिलीवरी वाला तो नहीं बल्कि उनके घर पर सीधा पुलिस पहुंची। उस आदमी ने इस महिला को पूरे 1 दिन तक बंधक बनाकर रखा और उसका फोन सिर्फ पिज्जा ऑर्डर करने के लिए ही उसे इस्तेमाल करने दिया। महिला ने पिज्जा हट की ऐप पर ये ऑर्डर किया और साथ ही रिमार्क्स में उन्होंने 2-3 शब्द लिखे। उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हॉस्टेजेस, उसके नीचे गेट हेल्प लिखा और फिर कॉल 911 लिखा। आमतौर पर ऐसे रिमार्क्स में लोग वो लिखते हैं जिस तरह का पिज्जा उन्हें पसंद होता है, लेकिन 2015 में हुई इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। वहां काम करने वाले लोगों ने बताया कि ये स्टोर 28 सालों से खुला हुआ है, लेकिन ऐसा रिमार्क्स उन्होंने कभी नहीं देखा। लड़की के बॉयफ्रेंड के पास चाकू था और वो ड्रग्स के नशे में ऐसे गलत काम कर बैठा, क्योंकि अब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको नशे के लिए पैसा देना बंद कर दिया था, जिसके बाद उसने चाकू के दम पर अपनी गर्लफ्रेंड को और उसके 3 बच्चों को उसी के घर में बंधक बना लिया। जैसे ही पुलिस उसके घर पर पहुंची, महिला तुरंत पुलिस के पास आ गई और अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाने लगी। 20 मिनटों बाद उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया और सीधा जेल भेज दिया गया। दोस्तों पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है पर्थ को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों आपको ये दोनों सच्ची कहानियां कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।